एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही प्यारे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो गाइज, आज मैं आपके पास एक न्यू व्लॉग लेके हाजिर हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही मजे का होने लगा है, क्योंकि गाइज आज मैं ना कोई इतना ओवर मेकअप नहीं करूंगी, ना ही मैं कोई लुक तैयार करूंगी, ना ही मैं हेयर स्टाइलिंग करूंगी। आज मैंने जाना है बाहर, क्योंकि आज शाम से ना पिंडी में ना बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। यार कहीं जाना चाहिए यार। तो वैसे ही काफ़ी दिन से मैं बाहर नहीं गई, तो मैं सोच रही थी कि आज हम जाएंगे जी खुद ड्राइव करके बाहर। तो जी गाइस, आज मैं बहुत लाइट सा मेकअप करूंगी, जैसे कि मैं आम रूटीन में मेकअप करती, तो हम आम रूटीन वाला मेकअप करेंगे। और उसी के साथ साथ जी मैं कोई हेयर स्टाइलिंग वगैरह भी नहीं करूंगी, हम सिंपल हेयर स्ट्रेट करेंगे। तो चलते हैं जी, चले आ जाए जी। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं करूंगी सबसे पहले अपने फेस पे प्राइमर जी। तो गाइस, प्राइमर मेरा हो चुका है। इसके बाद जी हम करेंगे जी सिंपल फाउंडेशन फिट मी का, जो मैं यूज करती हूँ आम रूटीन के लिए। मैं जी इसमें वो सनब्लॉक नहीं मिक्स करती आम रूटीन में जी, मैं इसके अंदर कोई सनब्लॉक वगैरह मिक्स नहीं करती, सिंपल लगाती हूँ, क्योंकि मतलब फिर वो एक सेम लुक हो जाती है। जब हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं या सिंपल तैयार होते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। तो आम रूटीन में मैं बहुत लाइट सा ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। जी तो गाइस, फाउंडेशन मैं लगा चुकी हूँ। अब इसी के साथ साथ हम लगाएंगे जी कंसीलर। तो जी तो गाइस, कंसीलर मेरा लग चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे जी अपना फेस पाउडर। फेस पाउडर लगा के तो ना कसम से सुकून आ रही है। ऐसे लगता है, पता नहीं जिंदगी का हम देखो कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो कर लिए। और फेस पाउडर वगैरह तो मुझे अपना चेहरा इतना ही कोई बुरा लग रहा होता है ना कि यार, मतलब ऐसा लगता है अभी हम फ्रेश मुंह धो के और पानी लगाओ। तो फेस पाउडर से ये होता है कि ये हमारा ना, मेरा फेस तो मुझे ड्राई अच्छा लगता है, तो इससे ना मैं फेस पाउडर ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि ना थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई आ जाए हमारा। जी तो गाइस, फेस पाउडर भी हो गया हमारा डन। अब हम करेंगे जी ब्लश। ब्लश भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर ब्लश मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो हमारे ना थोड़ा सा ना फेस को रेड रेड कर देते हैं। जब हम स्माइल करते हैं ना, तो फिर हम ज़रा क्यूट आते हैं। आज का मेरा जो ड्रेस है ना, वो है जी ब्लैक कलर का। तो जी ब्लैक कलर के साथ मैं पहले सोच रही थी कि मैं स्मोकी आईज तैयार करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे बाहर जाना है, पब्लिक डांस जाएगी, पागल है। तो मतलब पागलों की तरह स्मोकी आईज बना के, अब उन्हें क्या पता कि मैं व्लॉग शूट करी, बट फिर भी यार पब्लिक के साथ भी चलना पड़ता है ना। ब्लश लगाते लगाते ना हमेशा मुझे वो एक बात याद रहती है, वो एक ना मीम थी कि ना क्या आप इतना ज़्यादा ब्लश क्यों लगा रही हैं। तो वाकई से उसको आंसर देती कि ब्लश लगा रही ना, मेरी मर्जी, जितना मर्जी ब्लश लगाऊं मैं लगाऊंगी, जब तक मेरा दिल करेगा मैं लगाऊंगी। ब्लश लगा रही ना तो मैं चंडे थोड़ी लगा रही हूँ। वो मेरा वाला भी वही हिसाब है कि मैं ब्लश लगा रही ना, जितना मर्जी लगाऊँ चंडे थोड़ी लगा रही। क्या करना चाहिए अब हमें? अब हमें करना चाहिए जी थोड़ा सा आईलाइनर लगाना चाहिए, और ना जी थोड़ा सा जी हमें मस्कारा लगाना चाहिए। अब हम लगाएंगे लाइट आईलाइनर। बस आज ना मैं अपने मिरर से कुछ एक्स्ट्रा ही दूर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि आज मैं दिल करता कि मैं खड़ी होकर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आज मुझे जल्दी वाला मेकअप करना था, तो मैंने खड़े होकर वीडियो बनाई। गाइस, डेली रूटीन में ना मैं आईलाइनर ना बिल्कुल ना, ये बस एक एंड पे ना थोड़ा सा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा आईलाइनर अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे चेहरे पे सूट नहीं कर रहा और मेरी लुक बहुत बड़ो बड़ो वाली आती है। ये तो गाइस, मुझे पता है कि इसी के साथ साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगी भी या नहीं, कि मैं जा भी रही हूँ या नहीं। तो आज के व्लॉग में हम बाहर जाएंगे यार, जाएंगे आज हम जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। जी तो गाइस, आईलाइनर मेरा लग चुका है। अब हम लगाएंगे जी मस्कारा। और इसी के साथ साथ जी हमेशा की तरह मेरा मस्कारा ऊपर लग चुका है। जी तो गाइस, हम अब लगाएंगे जी अंडर आई वाइट पेंसिल। तो
और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उस दिन ना, बेदहानी में मुझसे ये मेरी पेंसिल टूट गई थी। अब मैंने इसको न्यू ऑर्डर किया हुआ, देखिए वो कब भेजते हैं। हाँ, हम लगाएंगे जी इसके नीचे ही मस्कारा। जी तो गाइस मस्कारा लग चुका है, थोड़ा सा नीचे भी लग चुका है। अब ये ड्राई होगा तो मैं इसको साफ करूंगी। तो जी अब हम लगाएंगे जी हाइलाइटर। जी तो गाइस इसी के साथ साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट व्लॉग में कहा था कि मैं डेली रूटीन्स के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, तो गाइस वो तो मैं नहीं ही करूँगी, बट मैं ना कहीं अगर बाहर वगैरह गई तो मैं आप लोगों को वो साथ दिखाऊंगी कि हम कहाँ पर बाहर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा तो बाहर मुझे कोई लेके नहीं जाता, मैं खुद ही बाहर जाती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा बाहर होते हैं और उन्होंने मुझे गाड़ी दी हुई है कि घर का कोई भी काम हो तो तुम ज़रूर करना। तो ये जिम्मेदारी जी मेरे नाजुक कंधों पर है। अब जी गाइस बस फ़ायदा भी बहुत है, अपने काम भी मैं बहुत कर लेती हूँ, अपना खाना पीना मैं जा कर ले आती हूँ, क्योंकि बस मुझे घर का कुछ पसंद नहीं आता। तो गाइस इसी के साथ साथ जी मैं हाइलाइटर भी लगा चुकी हूँ, अब ना आईज में थोड़ा सा लगा लेंगे। जी तो गाइस वैसे जब मैं डेली रूटीन का मेकअप करती हूँ तो इसमें लेंस नहीं यूज़ करती, क्योंकि एक ही मतलब बात वही आ जाती है, लेंस लगा लगा के लोग एक ही आती है, तो मैं वैसे लेंस यूज़ नहीं करती। जब मैंने कहीं फंक्शन पर जाना हो या कहीं इवेंट वगैरह हो तो मैं उसके लिए लेंस वगैरह यूज़ करती हूँ। वैसे डेली रूटीन में बिल्कुल सिंपल तैयार होती हूँ, और ये जो नीचे वगैरह लग गया पहले मैं इसको अब साफ़ करके थी। मैं एयर पिक, हाँ जी, तो एयर पिक हमारे बड़े काम आती है। ये जी हमारे जी जो मेकअप इधर उधर लग जाता है, ख़ास तौर पे मस्कारा और आईलाइनर, तो ये जब इधर उधर लगता है तो हम ना इसको साफ़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने फ़िलहाल सारा साफ़ कर ही लिया है, तो अब कुछ रेस करने की ज़रूरत नहीं। दी एंड पे हमारा रह गया जी लिपस्टिक, और अब हम ये लगाते हैं जी लिपस्टिक। पहले जो लिपस्टिक का मैं एक ही कलर यूज़ करती हूँ बाहर जाने के लिए, वो है जी बिल्कुल लाइट पिंक सा। तो याद ही नहीं रहा वो मैंने रखा था यार, नहीं ये वाला कलर नहीं है, कैप चेंज हो गई है यार, एक मिनट में कलर ले। तो गाइज ये है हमारा लिपस्टिक का कलर जो कि मैं आम रूटीन में। जी तो गाइज अभी अभी मुझे नजर आया कि एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक मस्कारा लगा हुआ है, तो हम जी तो गाइस इस वक्त मेरा मेकअप बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मैं ज़्यादा और मेकअप नहीं करूँगी आज, आज हम सिर्फ बस इतना सा ही मेकअप करेंगे। जी तो अभी हम करेंगे जी अपने बाल स्ट्रेट, तो चलिए जी मैं आपको बाल स्ट्रेट दिखाती हूँ। अब मैं करूँगी जी अपने बाल स्ट्रेट। बाल हो चुके हैं स्ट्रेट, और अब हमेशा की तरह मैं जी अपना साइप अप निकाल दूंगी। जी तो गाइस बाल मेरे स्ट्रेट हो चुके हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना थोड़े से ना बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना थोड़े से ना अपने बालों को ना उठा के ना यूं पे ना कर लेना चाहिए, वैसे अच्छे लग रहे हैं ना। जी तो गाइस इसी के साथ साथ मेरे बाल भी तैयार हैं, और अब मैं करके आती हूँ जी कपड़े चेंज, तो मिलते हैं जी आपसे। जी गाइस ये था जी आज का मेरा ब्लैक ड्रेस। तो जी गाइस अभी हम चलते हैं जी बाहर, और बाकी आपको मैं बाहर का दिखाती हूँ, बाहर आपको फुल ड्रेस वगैरह भी दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, और जी मैंने चाबी भी उठा ली है, अब देखते हैं जी क्या होता है। मेरी गाड़ी चलो पीछे करो जी, ये पीछे करेंगे जी। खैर इन्हें आती तो नहीं है, पर फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। एंड लॉक, हाँ एंड लॉक खोलो ना। हाँ इजीली करो ना यार, रोने क्यों लग जाते हो एकदम आराम से ना, ठीक है कुछ भी नहीं है, रेस दो हल्की सी गाड़ी को, मुझसे सीखो रेस दो हल्की सी। चलो रिवर्स करो गाड़ी को, हैंड ब्रेक नीचे करो,
मिरर सेट है दोनों अपने, जान दो आराम से, आहिस्ता आहिस्ता पीछे निकालो, आहिस्ता 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 इस तरफ काट के, हाँ जाने दो पीछे जाने दो। गाड़ी को फुल काटो, फुल काट दो, हाँ काटो, चलो जान दो, चलो बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। माना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। अब मेरी बारी थी, अब मैं अपनी गाड़ी पर अपनी सीट पर बैठी हूँ। मानती हो ना फिर? मानते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत ड्राइवर है जी आप। जी तो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं ड्राइविंग करने लगी हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अच्छे अपने सफर पे पहुँचेंगे जी। तो गाइस वैसे तो ना मैं अपने ना शीशों पर रखती हूँ, पर आज मौसम अच्छा है तो मैंने भी बोल दिया क्योंकि मुझे नीचे शीशे से बहुत उलझन है। भाई चल ही नहीं जाते यार, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या बनेगा, कुछ नहीं मान सकता इन लोगों का। तो गाइज इसी के साथ साथ ना हमें पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा कि मुझे पार्किंग मिल नहीं मिल रही है जी, हम करेंगे जी पार्क। तो गाइज इस वक्त मैं तहजीब पे पहुंच चुकी हूँ और हम जी लेंगे जी यहाँ से आइसक्रीम, असलाम वालेकुम, एक पाइन एप्पल चॉकलेट और एक पिस्ता चॉकलेट। पाइन एप्पल नहीं है, पाइन एप्पल नहीं है, पिस्ता चॉकलेट दो कर दें जी। तो गाइस हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं ना, जो मज़ा सदर में है ना वो मज़ा कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब सदर के अलावा हमारा दिल किसी जगह पे भी नहीं लगता। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे जी। तो गाइस इस वक्त हम अपनी आइसक्रीम्स ले चुके हैं और मैं जाती हूँ जी शहीर के पास और वो मेरा वहाँ खड़ा हुआ बेचारा वेट कर रहा है। खैर यहाँ पे टाइम तो नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं मुझे पूरे लगे और मैं लेके आ भी गई हूँ। तो जी ये गया था ना वो ब्लैक कलर वाला, नहीं मुझे यहाँ पे कहता अल्लाह करे तू डॉक्टर बने, मैं कहा मैं डॉक्टर क्रिकेटर की दो कंट्रोल कंट्रोल डरा ही दिए। पाकिस्तान में व्लॉग तो बंदा बना ले पर जो मतलब इतनी दूर दूर के देखते हैं ना उन पे हंसी आती है यार। मतलब अब तो इस चीज़ से यार आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि ये चीज़ एक बहुत आम होगी और ये काम होगा, ये पाकिस्तान है। जब यूरोप में चल सकते तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं। मतलब अब मैं आइसक्रीम लेके व्लॉग शूट करती हूँ, सब मुझे बड़ी हैरानगी से देख रहे थे कि यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर बंदे के साथ हमेशा एक ज्यादा जरूर होती है, वो पता क्या होती है कि जब अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगवाते तो उसका खाना वहीं पे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता और वो खुद बेचारा ड्राइविंग करता रहता। और ये लोग जो मेरे ये लोग और किसी काम के नहीं हैं और बस मैं बेचारी आती हूँ ड्राइविंग करती हूँ और बस चली जाती हूँ। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मैं बड़ी हो जाऊँगी और पता नहीं फिर मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगी। और हमारी रश पाकिस्तान में इसी तरह रहेगी, ये कभी भी नहीं खुलने लगी यार, बोलने से खुल गई अच्छी बात है। ओ यार वैसे तो मुझे तो गाड़ी उस साइड करनी थी, अब शुक्र है मेरे पीछे ना रश नहीं है, पर आई एम सो सॉरी पीछे वाले बंदों मुझे ना यहाँ पे ना गाड़ी मोड़नी है और मैंने मोड़ भी ली। और इसी के साथ साथ जी मुझे जी चेंज करना है अपना गियर, जी हम गियर चेंज करते हैं और हम जा रहे हैं जी ऑन द वे लंदन। कोई नहीं हम जा रहे हैं, अम्मा ने टाइम दिया था, हमारी मॉम ने हमें कहा था कि आप लोग 6 बजे से पहले अपनी शक्लें घर लेके आएंगे ना आए तो उसके बाद आप लोगों के लिए दरवाजे बंद, और मुझे जो 6 बजे से पहले पहले घर पहुंचना है जी। तो गाइस आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 6 बजे से पहले पहले घर आ चुकी हूँ, नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह हमें मामा निकलने देंगे। मामा ने कहा था इस बार 6 से पहले आओगे तो नेक्स्ट भी निकलने दूंगा जी। गाइस अब यहाँ से ना थोड़ी रश वाला सिस्टम है तो मुझे गाड़ी, ये जी हमारे व्लॉगर बने फिरते हैं, बोलने की ना तमीज़ नहीं है, बच्चों से इतने गुस्से से बात करते हैं और फोन करके कहते हैं मेरी राइफल लेके आओ। और जी मतलब क्या बनेगा यार, तो मान सकता तो बताओ, ये मैं ड्राइवर हूँ, ये तुम नहीं हो, ये देखो ये बिल्कुल फिक्स गाड़ी लगी है। नहीं मारी थी तुमने? नहीं मारी थी जी, अभी झूठ बोलते थे, मैं गाड़ी नहीं मारी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी गाइस यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है जी एंड,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज हम व्लॉग गाड़ी में एंड करेंगे, तो फिलहाल तो मैं जाके चेंज वगैरह करूँगी और ये जो मेरी पड़ी हुई है इस बेचारी को मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसको चखा भी नहीं है। बस मैंने शूट किया और मैं फ़ौरन से घर आ गई, क्योंकि हमारा टाइम 6 बजे तक था। तो अब हम मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना, वरना नेक्स्ट व्लॉग नहीं बनाऊँगी मैं जी। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।